नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ओला कैब एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने ओला कैब का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डालकर रख दिया है, और साथ ही दोस्तों लिंक के साथ में हमारा रेफरल कोड भी मेंशन है। अगर आप रेफरल कोड हमारा इंटर करते हो तो आपको फर्स्ट राइड पे 50 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों ओला कैब का एप्लीकेशन हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, तो चलते हैं अभी इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों हमें क्या प्रोसेस कम्प्लीट करनी होती है एक कैब बुक करने के लिए, वो सारी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर साइन इन करना होता है, और साइन इन करने के लिए यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मोबाइल नंबर, गूगल और फेसबुक। तो बेटर ऑप्शन यहाँ पर मोबाइल नंबर ही होता है दोस्तों। आप चाहिए तो आप गूगल और फेसबुक के द्वारा भी लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मोबाइल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो भी फ़ोन नंबर अभी अवेलेबल है उसके द्वारा हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो OTP ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन में फेच हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर हम सिम कार्ड सेम फ़ोन में लगा के रखे हैं जिस फ़ोन में हम ओला एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर OTP ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है, हमें OTP मैनुअली मेंशन नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो OTP ऑटोमेटिकली ले लिया है, तो अभी हमारा एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ एक्सेस देने होते हैं जिसके लिए हमें यहाँ पर अलाउ बटन पर क्लिक करना होता है। तो चलते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर अलाउ बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे अलाउ बटन पर क्लिक करते हैं तो दोबारा से हमें अलाउ करना होता है। यहाँ पर हमसे 2 बार अलाउ बटन पर क्लिक करने बोला गया, तो हम यहाँ पर 2 बार अलाउ कर दिए। फर्स्ट था हमें लोकेशन अलाउ करना था एंड सेकंड कॉलिंग अलाउ करना था। ठीक है, तो जैसे ही हम अलाउ कर देते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाता है, मतलब कि दोस्तों हमारा लॉगिन हो चुका है। तो चलते दोस्तों अभी बुकिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर देखिए सर्च डेस्टिनेशन का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम सर्च डेस्टिनेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होता है। यहाँ पर देखिए पिकअप लोकेशन और नीचे इंटर डेस्टिनेशन का ऑप्शन दिख रहा है। अभी दोस्तों हम खुद यहाँ पर ट्रेवल नहीं करने वाले हैं, हमारे कोई परिजन है जिनके लिए हम ये बुकिंग करने जा रहे हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर उनका पिकअप पॉइंट मैनुअली फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर उनका जो पिकअप पॉइंट है या पिकअप लोकेशन है उसे यहाँ पर मैनुअली फिल कर लेते हैं। हमने यहाँ पर लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन पिकअप लोकेशन के लिए सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये देखिए नीचे हमने जैसे लोकमान्य तिलक टर्मिनस का कोड यहाँ पर फिल किया, नीचे एड्रेस ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, सजेशन में, तो हम यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर लोकमान्य तिलक टर्मिनस सेलेक्ट किया, तो उसके बाद यहाँ पर लोकमान्य तिलक टर्मिनस में जितने भी पिकअप पॉइंट है वो यहाँ पर हमारे सामने शो कर रहे हैं, ऑटो पिकअप और ओला पिकअप पॉइंट। तो हमने यहाँ पर ओला पिकअप पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है और कंफर्म लोकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अभी दोस्तों हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप खुद ये राइड करने वाले हैं या आप किसी और के लिए ये राइड बुकिंग कर रहे हैं। तो हम फिलहाल किसी और के लिए बुक कर रहे हैं, हमने पहले ही बताया। तो हम यहाँ पर चूज कॉन्टेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, और जिसके लिए भी हम ये बुकिंग कर रहे हैं तो उनका हम यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर उनका कॉन्टेक्ट नंबर सेलेक्ट कर लिया है और अभी कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होता है। यहाँ पर देखिए हमारा जो ओला पिकअप पॉइंट है वो सेलेक्टेड शो कर रहा है, हमने जो भी एड्रेस हमारा पिकअप पॉइंट के लिए सेलेक्ट किया वो सेलेक्ट हो चुका है। अभी चलते हैं दोस्तों हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर सर्च डेस्टिनेशन के ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर लेते हैं और हमारा जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम सर्च डेस्टिनेशन एड्रेस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होता है। यहाँ पर देखिए हमारा जो पिकअप पॉइंट है वो सेलेक्टेड है, क्योंकि हमने पहले से ही सेलेक्ट कर लिया है पिकअप पॉइंट, और ऊपर जो पैसेंजर ट्रेवल करने वाला है उनका जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वो भी हमने दे दिया है। तो ऊपर देखिए उनका नाम भी शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस फिल कर लेते हैं। डेस्टिनेशन एड्रेस फिल करने का जो प्रॉपर तरीका है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर आपके डेस्टिनेशन एड्रेस का कोई फेमस लैंडमार्क यहाँ पर सर्च करना होता है, जिससे कि आपका प्रॉपर डेस्टिनेशन एड्रेस
आपको सजेशन में दिख जाता है। तो हमने यहाँ पर हमारा जो लैंडमार्क है वो सर्च किया, तो हमारा जो डेस्टिनेशन एड्रेस नीचे सजेशन में आ गया और हमने उसे सेलेक्ट कर दिया। अभी दोस्तों हमारा जो ओला पिकअप पॉइंट और नीचे हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों यहाँ पर शो कर रहा है। अभी हम यहाँ पर हमें कौन सी कैब बुक करनी है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए सारे कैब्स का जो अलग अलग फेयर है वो शो कर रहा है। फिलहाल हमारा जो पैसेंजर है वो सिंगल पैसेंजर है, उसके साथ कोई और नहीं है, तो हम चाहेंगे कि उसके लिए छोटी सी कोई एक गाड़ी बुक कर दें। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर मिनी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और मिनी का जो फेयर है वो सबसे कम भी है दोस्तों। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दोस्तों मिनी सेलेक्ट कर लिया है। और नीचे देखिए यहाँ पर अगर आपके पास कोई कूपन है तो आप यहाँ पर कूपन भी ऐड कर सकते हैं। और पेमेंट कैसे करने वाले हो आप वो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो हमने यहाँ पर फिलहाल कैश सेलेक्ट किया है। अगर आपको यहाँ पर पेमेंट का जो ऑप्शन है उसे चेंज करना है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर कैश ही सेलेक्ट किया है और हम यहाँ पर कोई कूपन भी अप्लाई नहीं करने वाले हैं, तो उसके लिए हम इसे वैसे ही छोड़ देते हैं और कंफर्म बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अभी दोस्तों हमने यहाँ पर हमारा कैब भी सेलेक्ट कर लिया है और पेमेंट ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लिया है, तो चलते हैं अभी हम बुक मिनी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम बुक मिनी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो मैसेज है नियरेस्ट ड्राइवर को चला जाता है। तो उसमें से जो भी ड्राइवर पहले क्लिक करता है उसको हमारा जो राइड है वो मिल जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मैसेज तो भेज दिया है, अभी वेट करते हैं। जैसे ही कोई ड्राइवर हमारा जो राइड है एक्सेप्ट करता है तो उनका नाम और व्हीकल नंबर हमें यहाँ पर शो होने लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं थोड़ा। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो राइड है किसी ड्राइवर ने एक्सेप्ट कर लिया है, उनका यहाँ पर देखिए व्हीकल नंबर भी शो कर रहा है, ब्राउन वैगनार गाड़ी है। ठीक है, तो और नीचे उनका नाम भी शो कर रहा है दोस्तों। तो अभी हम थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं क्योंकि ड्राइवर जैसे ही पिकअप पॉइंट पर पहुँचेगा तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर पिकअप के लिए कॉल करेगा। बाकी ड्राइवर को अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो आप यहां से उन्हें ट्रैक भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपकी गाड़ी अभी कितनी दूरी पर है और बाकी उन्हें कितनी दूरी तय करके आपके पास पहुंचना है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही गाड़ी आपके पास पहुंच जाती है आप उस गाड़ी में बैठ जाते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो एक OTP दिया गया है, ये OTP नंबर ड्राइवर को बताना रहता है। ठीक है, और दोस्तों कभी भी आपको OTP गाड़ी में बैठने के बाद ही बताना है। अगर ड्राइवर कॉल पर आपसे OTP मांगता है तो आपको उन्हें OTP नहीं बताना है। जब भी आप गाड़ी में बैठते हो उसके बाद उन्हें OTP नंबर दे सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, आप जब भी अगर कॉल पर OTP अगर मांगते हैं आप उन्हें OTP दे देते हो तो वो अपना राइड स्टार्ट कर लेते हैं और उसके द्वारा वो अपना MBG कंप्लीट करते हैं, मिनिमम बिजनेस गारंटी जिसे बोलते हैं। उससे क्या होता है, उनका डेली का टारगेट होता है कि आप इतने राइड अगर कंप्लीट करोगे तो आपको इतने इंसेंटिव्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप राइड नहीं भी करते हो आप उन्हें OTP दे देते हो, वो बिना राइड किए ही वो अपना टारगेट कंप्लीट कर लेंगे और आप उसमें हो जाएंगे परेशान। ठीक है, इसके लिए कभी भी आप गाड़ी में बैठने के बाद ही उन्हें OTP बता सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर गाड़ी को आपके पास पहुंचने में देरी हो रही है तो आप डायरेक्टली ड्राइवर से बात भी कर सकते हो और चैटिंग भी कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पर देखिए फीचर भी दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ड्राइवर को कॉल लग जाएगा। बाकी चैटिंग के लिए आप यहाँ पर जो भी मैसेज टाइप करते हो वो डायरेक्टली ड्राइवर के पास वो मैसेज पहुँच जाता है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों ओला के कुछ हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में भी बताने वाले हैं, इसके लिए वीडियो स्किप मत करना। तो चलते हैं दोस्तों हम नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए कैंसिल का बटन दिख रहा है दोस्तों, इस पर क्लिक करके आपका राइड आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो आगे जो सेकंड नंबर पर सपोर्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप ओला के द्वारा कोई भी हेल्प ले सकते हो। और साथ ही दोस्तों अगर आपको ड्राइवर से कुछ प्रॉब्लम है या व्हीकल से कुछ प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप यहाँ पर कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो। ठीक है, और आगे जो है थर्ड नंबर पर शेयर बटन दिख रहा है दोस्तों, मतलब कि शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आपके राइड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपके किसी परिजन को आप उसे शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, जो कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर है ओला एप्लीकेशन का।
तो चलते दोस्तों इस राइड के इन्फॉर्मेशन को हम किसी परिजन के साथ शेयर करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ शेयर बटन पर क्लिक कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन के द्वारा हमें शेयर करना है, तो हम यहाँ पर व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लेते हैं। व्हाट्सएप सेलेक्ट करने के बाद हमारे जिस भी परिजन को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना है राइड से रिलेटेड, उनका यहाँ पर हम नाम या नंबर सर्च कर लेते हैं और यहाँ पर हम इन्हें सेंड कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम राइड का इन्फॉर्मेशन उनको सेंड करते हैं, तो ड्राइवर का कॉन्टेक्ट नंबर, व्हीकल नंबर और ट्रैकिंग लिंक के साथ में उनको मैसेज चला जाता है। ठीक है, उससे दोस्तों बेनिफिट ये होगा कि आपकी राइड आपके परिजन लिंक पर क्लिक करके ट्रैक भी कर सकते हैं, और साथ ही दोस्तों आप कौन सी लोकेशन पर पहुंचे हैं ये भी जानकारी वो लिंक के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों है ना कमाल का, इस फीचर के द्वारा आप काफ़ी सेफ भी महसूस कर सकते हैं ओला में ट्रेवल करते टाइम। ठीक है, तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ओला एप्लीकेशन इस्तेमाल करना आ गया होगा। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।